हेलो एवरीवन, वेल्कम टू माय चैनल सेल्फ केयर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ओमेगा 3 को लेकर बात करने वाले हैं। ओमेगा 3 क्या है, इसका सोर्स क्या है, यानी ये कहाँ से मिलता है, इसे खाने से या ना खाने से क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये बॉडी फैट यानी ट्राइग्लिसराइड को घटाकर वेट लॉस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी ओमेगा 3 बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हम अपने रेगुलर डाइट से जाने अनजाने में काफी ज्यादा ओमेगा 6 इंटेक कर लेते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल एंड बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। और इसी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें ओमेगा 3 जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेनली 3 तरह के होते हैं, ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड, EPA यानी इकोसापेंटा इनोइक एसिड एंड DHA यानी डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड। ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सोर्स है फ्लेक्स सीड, हेम्प सीड, चिया सीड, सोयाबीन्स, वॉलनट्स, लेग्यूम्स। EPA एंड DHA का सोर्स है सैल्मन, मैकरल जैसे फैटी फिश और एल्गी नाम का मरीन प्लांट। अगर आप इन सारे ओमेगा 3 एनरिच फूड्स को अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इन्हें ज्यादा से ज्यादा इनटेक कर सकते हैं, तो आपको मार्केट में अवेलेबल ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स अलग से खरीद के खाने नहीं पड़ेंगे। और ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जैसे कि फटीग, पोअर मेमोरी, ड्राई स्किन, हार्ट प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, पोअर ब्लड सर्कुलेशन, इन सारी चीजों को आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे। अब क्योंकि ओमेगा 3 के वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह के सोर्स है, इसलिए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 इनटेक करने का डेली रिक्वायरमेंट भी अलग है। वेजिटेरियंस ऐसे वेज फूड ऑप्शन से 1 to 1.2 ग्राम अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ओमेगा 3 डेली इनटेक कर सकते हैं। पर हमारे बॉडी में LAA से ज्यादा EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिवनेस भी LAA से ज्यादा है। और इस वजह से अगर आप चाहे तो आप 250 to 500 मिलीग्राम EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन इनटेक कर सकते हैं एल्गी से, जो समुन्द्र के नीचे उगने वाला एक तरह का पौधा है। तो एल्गी भी ओमेगा 3 का एक वेज सोर्स है। और एल्गी से ओमेगा 3 इनटेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है वाव लाइफ साइंस का एल्गी रिच ओमेगा 3 सप्लीमेंट। इसमें टोटल 400 मिलीग्राम EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन मौजूद है। एक नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन एडल्ट के लिए ओमेगा 3 का डेली रिकमेंडेशन है 250 टू 500 मिलीग्राम EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन। आप एडल्ट है या ज्यादा एज्ड है, आपको कोई बीमारी है या नहीं, डजंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने डाइट में भर भर के ओमेगा 3 एनरिच फूड्स ऐड कीजिए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो आज ही से अपना ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। कैसे लेना है चलिए जानते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस या फिर किसी भी तरह का हार्ट डिजीज नहीं है और जो वेजिटेरियन है, उनके लिए वाव लाइफ साइंस का एक एल्गी रिच ओमेगा 3 कैप्सूल रात को सोने से पहले और खाने के बाद इंटेक करना काफी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको लेना है कार्बामाइड फोर्टे का फिश ऑयल 1250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल रात को सोने से पहले और खाने के बाद, जिसमें टोटल 375 मिलीग्राम EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। अगर आप चाहे तो ओमेगा 3 को डिनर की जगह लंच के बाद अपने मल्टीविटामिन के साथ भी इंटेक कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स देखने के लिए पहले तो आपको 6 से 8 हफ्तों तक डेली अपना ओमेगा 3 इंटेक करते रहना है। फिर 7 से 15 दिनों का गैप रखने के बाद आप दोबारा अपना ओमेगा 3 इंटेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस या कोई भी हार्ट डिजीज है, या फिर आपका कोई भी ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है, तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट जरूर करें। ऐसे कंडीशन पे आपके फिजिशियन ही आपको बता देंगे कि आपको कौन सा ओमेगा 3 सप्लीमेंट कब और कितना लेना है। इस बीच अगर आपको कभी वॉमिटिंग, लूज मोशन या फिर डायरिया और एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो आप उस दिन के लिए अपना ओमेगा 3 टोटली स्किप कर सकते हैं। और ओमेगा 3 को उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है या शॉर्ट टर्म के लिए, ये जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत ही इजीली ओमेगा 3 के नेग्लिजिबल एंड माइल्ड साइड इफेक्ट्स को भी अवॉइड कर पाएंगे। बेसिकली डोज टॉलरेंस, डायरिया, एसिडिटी एंड फिशी बर्ब्स के अलावा ओमेगा 3 के दूसरे कोई और साइड इफेक्ट्स नहीं है। और हाँ, ओमेगा 3 डिजीज प्रिवेंशन के साथ साथ हमारे स्किन, हेयर एंड इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए अपना ओमेगा 3 डेली मेरे या अपने फिजिशियन के बताए हुए तरीके से इंटेक करना बिल्कुल ना भूले। और मैं आपके जरूरत के अनुसार हर तरह के ओमेगा 3 सप्लीमेंट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल सेल्फ केयर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर विद सेल्फ केयर। टाटा।